एक ये भी खबर आ रही है कि जो लोग इस पूरी घटना में इन्वॉल्व थे उसमें कुछ बांग्लादेशी भी होने की बात चल रही है। क्या एनआरसी की जो आप लोग बात करते आए हैं कि पूरे देश में एनआरसी होना चाहिए, अब क्या दिल्ली में भी वो वक्त आ गया कि इन सारी चीज़ों पर अब कार्रवाई होनी चाहिए? निश्चित रूप से अभी जब मैं बात कर रहा था तो भी पता चला कि वो लोग कुछ बांग्ला भाषा जैसी भाषा बोलते हैं, तो ये तो हमारे दिल्ली का देश का एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्याज, तो ये वही वर्ग दिख रहा है, उसके लिए अपराध एकदम चुटकी का खेल जैसा है। मर्डर, मारपीट, चोरी, ये सब उसके लिए लगता है जैसे कि चुटकी का खेल है। इस केस में भी ऐसा आया है। मैं समझता हूँ कि दिल्ली में भी एनआरसी तुरंत लागू होनी चाहिए और ऐसे सारे लोगों के खिलाफ जो इस तरह से आ करके और लोकल गवर्नमेंट की सहायता से वो राशन कार्ड पा गए, आधार कार्ड पा गए, इनकी सारी एनआरसी लागू होनी चाहिए। एनआरसी लागू हो और इन सारे इलीगल घुसपैठियों को इन यहाँ से बाहर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले समय में इतना बड़ा थ्रेट है कि उसकी कल्पना हम आप कर सकते हैं इस घटनाओं को देखकर।